number one. सबसे पहले आपकी खिदमत में अख्तर खान का आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, कौन सी है वो चीज जो यहां नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है मगर मां नहीं मिलती। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। दोस्तों, आज सेंड ऑफ डे है, यानी जुदाई का दिन, अलविदा का दिन। लेकिन मैं कहूंगा, कभी अलविदा मत कहो दोस्तों, ना जाने फिर कहां मुलाकात हो। दोस्तों, आज आपकी कॉलेज का आखिरी दिन है, कल से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे। लेकिन अपने इन टीचर्स को मत भूलना, क्योंकि जिस तरह आपकी माँ ने आपको बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है, उसी तरह ये टीचर्स भी एक माँ की तरह होते हैं, और वो एक माँ की तरह ही अपने स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा देते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। बात निकली है माँ की, तो क्यों ना मैं माँ के ताल्लुक से एक नज्म सुनाता चलूं। खुदा के बाद गर इंसान को सजदा रवा होता, यकीनन सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता। प्यार लफ्जों में बताया तो बताया ना गया, माँ तेरा प्यार भुलाया तो भुलाया ना गया। तेरा किरदार ही सारे जमाने से निराला है, तेरे दम से मोहब्बत में वफाओं का उजाला है। तेरी हद तक कोई आया ना कोई आने वाला है, खुदा के बाद तेरा मर्तबा हर एक से आला है। तेरी औलाद अच्छी हो चाहे बुरी, तूने हमेशा सबको मोहब्बत ही दी। जैसे बंदों पे रहमत हो अल्लाह की, तूने भी बदला ना मांगा कभी। जो भी मुमकिन है तू उसे भी सिवा देती है, जान तक अपनी मोहब्बत में लुटा देती है, और नजा के वक्त भी बच्चों को सदा देती है। तेरी राहों में मंजिल का कलेजा कांपे, ऐसी मौजे हैं कि साहिल का कलेजा कांपे। उफ तेरा सब्र के कातिल का कलेजा कांपे। तेरी राहों में फरिश्तों से भी आया ना गया, माँ तेरा प्यार भुलाया तो भुलाया ना गया। आज एक एक नसीहत को तरसता हूँ मैं, तेरी आवाज की लज्जत को तरसता हूँ मैं, याद आती है तो सूरत को तरसता हूँ मैं। मुझको जिस दिन से मयसर तेरी कुर्बत न रही, ऐसा लगता है कि दुनिया में मोहब्बत न रही। हौसला हार गया,
दिल में वो हिम्मत न रही, अब तो ऐ माँ तेरे मिलने की भी सूरत न रही। मैंने ये गम भी छुपाया तो छुपाया न गया, माँ तेरा प्यार भुलाया तो भुलाया न गया। फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। तो दोस्तों अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन है, जिसे सुनने और देखने के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, उनकी बारी आई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आवाज देने जा रहा हूँ इस कॉलेज के आर्ट्स की स्टूडेंट, जिनका नाम लेने से पहले, जिनको बुलाने से पहले मैं ये शेर जरूर पढ़ूंगा। क्या बात है सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। मेरी मुराद है मिस रोजी से। मिस रोजी प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोजी डिसल्वा प्लीज कम ऑन द स्टेज। लीजिए। और इन्हीं के साथ साथ मैं आवाज देने जा रहा हूं इसी कॉलेज के साइंस के लास्ट ईयर के स्टूडेंट, जिनको बुलाने से पहले मैं ये शेर जरूर पढ़ूंगा कि गले में उनके खुदा की ऐसी रहमत है, वो बोलते हैं तो एक रोशनी होती है। मेरी मुराद है मास्टर विशाल से। विशाल 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 मास्टर विशाल प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए मास्टर विशाल आइए। थैंक यू दोस्तों। लीजिए। थैंक्स। इश्क है पूजा, इश्क इबादत, इश्क बड़ा अनमोल, जीवन में अमृत रस घोले, इश्क के मीठे बोल मैं बोलूं, इश्क के मीठे बोल। कुछ करना इश्क न करना, इश्क बड़ा कठोर, इश्क किया है जिसने उसका दिल पे रहा ना जोर, मैं बोलूं दिल पे रहा के सागर में ही अक्सर दिल का कंवल खिलता है, इश्क अगर सच्चा हो तो बंदे को रब मिलता है, बंदे को रब मिलता है। इश्क बसा वो सबकी नजर से
थैंक यू दोस्तों। ये लीजिए। थैंक यू। दोस्तों, अब जिगर थाम के बैठे हैं कि फैसले की घड़ी आ गई है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नतीजा मेरे हाथ में है। इट्स सरप्राइजिंग, बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि फैसला दोनों के हक में जा रहा है। इसलिए मैं मिस रोजी को और मास्टर विशाल को स्टेज पर आने की दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर डिसोजा से अपना इनाम हासिल करे। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस रोजी एंड मास्टर विशाल। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर। बहुत बहुत मुबारक। कांग्रेस। थैंक यू। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो। थैंक यू। दत्तू आया साहब। जी साहब। वही अपनी दो स्पेशल चाय और बिस्किट्स। ठीक है साहब, अभी लाया। वैसे काफी अच्छा गाया आपने। आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। लगता कहीं से ट्रेनिंग ली है। जी नहीं, मेरी माँ गाया करती थी, उन्हीं के साथ बचपन में मैं भी गुनगुना लिया करता था। Really good. And I think आपको अपना टैलेंट कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है आप मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आप सचमुच तारीफ के काबिल हैं। माइक, ये क्या बदतमीजी है? What is this nonsense? इसमें नॉनसेंस क्या भाई, पानी पी रहे हैं। व्हाट डू यू वांट? ए मैन, तुम बहुत अच्छा गाना गा। एक्सलेंट। तुम्हें प्राइज मिला, वंडरफुल, एक्सलेंट। लेकिन साइंस कॉलेज का लड़का होके आर्ट कॉलेज की लड़की के साथ चाय पिए, इट इज नॉट टॉलरेबल। अंडरस्टैंड? Mike, behave yourself. बहुत हो चुकी तो ये बकवास। That is enough. Shut up. Shut your mouth, Mike. Hey man, तुम बहुत अच्छा गाना गाता है, समझा? तुम नया गाना तैयार करो, हम उसमें डांस करेगा। क्या? Out, out man, out. What do you want? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुझे बताता हूँ मैं चाहता क्या। एक मिनट। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? माइक, विशाल, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। आई सेड स्टॉप इट। स्टॉप इट। विशाल, माइक, प्लीज। विशाल। ये रामा क्या लपड़ा रहे? माइक, छोड़ दो उसे। माइक, विशाल, पहले का एक दूसरे को छोड़ दो। माइक, छोड़ो उसे। ये दत्तू क्या क्या तोड़ा, जरा देख रहे? ये लोग का डेली का ड्रामा। स्टॉप इट। प्लीज रुको, रुक जाओ। क्या हो रहा है ये सब? विशाल, What's going on here? नहीं कुछ नहीं मैडम, it's all right. मैम कुछ नहीं, बस ऐसे ही बस। Come on, the function is over. Now all of you go on your way. Okay मैम। चलो तो जी। विशाल। आइए यो, क्या वाट लगाए? आज मैं इसे देखा। इसके वजह से रोजी आज बस में आ रही है।
वरना मेरे साथ रोज बाइक माया करती थी। देखो मैन, जब सैम बोला तो बम का गोला, ओके काम हो जाएगा। डैडी। हाँ। हाय। हेलो बेटी। हाय डैड। हाय माइक। हाय अंकल। क्या हुआ माइक, लुकिंग अपसेट? क्या बडी? नहीं कुछ नो नहीं। स्माइल नो हाय, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ रोजी के साथ? नहीं कुछ नहीं। क्या बोलता है कुछ नहीं? फिर दोनों का चेहरा क्यों लटका हुआ है तंबू की तरह? सैम अंकल, एक अमीरजादा रोजी से दोस्ती करना चाहता था, मैं पीट दिया उसको, तब से मुंह फुलाई बैठी। लेकिन तुमको उससे झगड़ा करने की जरूरत क्या थी? मैं जानता हूँ ऐसे अमीर लोगों को, समझे तुम? मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूँ जो तुम जैसी बेवकूफ लड़की को फांसते और जब मतलब निकल गया तो लड़की बदल लेते। लिसन माइक, ना तो मैं बेवकूफ हूँ और न ही विशाल उन लड़कों में से एक है। एंड वन मोर थिंग, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, यू अंडरस्टैंड? अब ये झगड़ा वगड़ा छोड़ो बड़ी। आई की तुम इतने दिनों बाद हमारे घर आया, कॉफी पी के जाना। नो थैंक्स। अच्छा मैं चलता हूँ। रोजी, इसको इतना जल्दी से तो आया काहे को? गॉड नोज डैड। स्टूपिड। कैसा घबरू जवान है अपना विशाल। सो तो है भैया। अरे आखिर भांजा किसका है? मामा की गोद में खेला है और मेरी पीठ पर बैठकर बड़ा हुआ है। सो तो है चंदू भैया, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है अपने बेटे के लिए। दीदी, इसमें जीजा जी का कोई कसूर नहीं है, आखिर वो कस्टम ऑफिसर है, 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। रात को 2 बजे भी फोन आ जाए तो उनको जाना पड़ता है रेट डालने के लिए। कितने सालों के बाद आ रहा है ना हमारा विशाल, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी पसंद की चीज तो बननी ही चाहिए। जीजी आपको भी पसंद है ना, आप भी खा लो, वरना जीजा जी के सामने तो आप कुछ मीठा खा ही नहीं सकते। क्या हो क्या रहा है सब? तुम हलवा खा रही हो? ये सब तुम्हारे लिए जहर है मालूम है? डॉक्टर ने मना किया फिर भी? किसने बनाया, किसने? मैं पूछ रहा हूँ किसने? जी जी, वो दाई आंटी ने बनाया। हाँ। मैडम डिसिल्वा। जी। क्या आप जानती नहीं कि इतनी डायबिटिक है, उसकी जान लेना चाहती हैं आप? मैंने नहीं बनाया हलवा। एक तो हलवा बनाया, ऊपर से झूठ बोल रही हो। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। देखो जी, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। बोला आप ही बताइए, क्या मैं जीजी को मारना चाहूंगी? एक तो गलती, ऊपर से सीना सोरी। बेटे मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं बनाया हलवा। बस बस बहुत हो गया, आपकी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है, लगता है आपकी छुट्टी करनी पड़ेगी। रुक जाइए। रुक जाओ। क्या नजारे हैं यार विशाल, देख तो सही। ये विशाल देखना, यहाँ की ब्यूटी देखना, ये मछुआरा, हाय 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 हाय, क्या है यार। ए विशाल, तू क्या यार वहां पर देख रहा है, जरा ये साइड में देखना यार, देखना। अरे वहां पर क्या है यार? रोजी एसएम, रोजी सामने वहां पर। रोजी? अरे मैंने अभी देखा। रोजी यहां पर क्या करेगी? तू भी देख ले। ला दिखा। अरे अरे यार, मुझे तो रोजी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तूने कहां से देख लिया? विशाल तेरी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुझ पे रोजी का भूत सवार हो गया है, इसलिए तुझे हर जगह रोजी रोजी दिखाई दे रही। मैंने उसे देखा है यार, वो वहां पर थी। थी? थी तो फिर कहां है यार? यार विशाल,
मुझे यहाँ पर कहीं भी रोजी दिखाई नहीं दे रही है, सही बता रहा हूँ यार। तू है ना मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है सर, वो रोजी ही थी, मैं सच कह रहा हूँ। अरे यार विशाल भैया चलो यार, रोजी रोजी बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। हाँ चल चल यार चल। लो खाओ। हाय हाय। क्या खुशबू है। अरे चंदू की चंद्रमुखी तुम तो बहुत चतुर निकली। बिसलवा आंटी की छुट्टी हो गई, हलवा खाने को हमें मिला। बाहर ही किस्मत उड़ाए जा मेरे जीजा का माल। ये तो गया काम से। रहोगी? अब बस भी करो बहना, रो रो कर क्यों परेशान हो रही हो? दीदी हमने सब साफ सफाई कर दी है, अब आप भी चुप हो जाइए, विशाल आएगा तो क्या सोचेगा। हाँ। अब आप लोग भी ज्यादती करते हैं ना, अब देखिए चली गई ना दाई माँ। जीजा जी का स्वभाव ही ऐसा है, उसमें हमारा क्या कसूर है। अब आप लोग भी जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे तुमने भी खूब कही बहना। हाँ? हम भी हमारे भांजे का इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से उसको देखा नहीं, और देखना आते ही मेरा भांजा चंदू मामा कहकर मेरे गले से लटक जाएगा। आप भी क्या बात करते हैं जी, अब तो आपसे भी लंबा हो गया होगा। अरे विशाल बाबू नमस्कार। कैसी हो शकू भाई? बढ़िया है। हाय मम्मी। अरे विशाल बेटा आ गया। हाय मामा जी। हाय चंदू मामा। ये हाय मम्मी। हाय प्रणाम मां। ये क्या माँ, तुम्हारी आंखों में और आंसू? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये तो खुशी के आंसू है बेटा। हाँ बेटा कितने सालों के बाद देख रही है तुम्हें। बेटा ये सर्वमोहन है ना? हाँ माँ। जी आंटी अब मैं आपको क्या बताऊँ, इन लोगों ने तो मेरा नाम ही बदल दिया है। एक्चुअली माँ इसका नाम बहुत बड़ा था, इसलिए हम शॉर्ट में इसे SM बुलाते हैं। माँ हलवे की खुशबू आ रही है। अरे बेटा खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया गया है, अभी लाती हूँ। जल्दी ला जल्दी ला। विशाल बेटा तेरे को मालूम है आज शाम को बेला भी आ रही है। बेला? हाँ तुम्हारी बचपन की दोस्त। अभी तो काफी बड़ी हो गई होगी। और नहीं तो क्या, 5 साल बहुत होते हैं। लो बेटा हलवा खाओ। हलवा जरूर दाइमा ने बनाया होगा। वैसे माँ दाइमा है कहाँ? बेटा दाइमा तो अपने घर चली गई। जी कल जाकर उनसे मिलाना। ठीक है माँ। अरे छोड़ो ना बेटा, चलो हलवा खाओ। लो बेला अभी तक आई नहीं। बेला माय डार्लिंग कैसे हो? ठीक हूँ। आओ बेटा आओ आओ। अच्छा बेला अब तुम आ गई हो ना तो सुनो। ओके डोंट वरी मौसी, सब कुछ ठीक होगा। विशाल कौन है? कैसे पहचानूं? अरे मेरे राजा बस एक बात समझ लो, अगर बेला ने विशाल को पटा लिया ना
तो चीजा जी का सारा माल हमारा हो जाएगा। अरे कैसे नहीं पटाएगी, बेला तो अब पटाका हो गई है। आप मेरी भतीजी के बारे में ऐसा कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी भतीजी के हुस्न की तारीफ कर रहा था। अब बेला तो आ चुकी है तो उसको बोलो कि जल्दी से विशाल को फंसाए और घर बैठे माला माल हो जाओ। ये तो कविता हो गई। लो हलवा खाओ। नहीं नहीं, ये हलवा नहीं, मेरा हलवा तो तू है। यही होगा। भूतनी नहीं, बेला। बेला इतनी खूबसूरत। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं? जानू ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। हकीकत? मेरी तो किस्मत खुल गई। इसे कहते हैं जोर का झटका, धीरे से लगे। लगा लगा लगा। अभी नहीं जानू, इतनी भी क्या जल्दी है। चलो 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 चलो, आओ ना। लो बेला ने तो एक ही रात में विशाल को पटा लिया। ए, देखो आउच, क्या कर रहे हो? कुछ शादी के बाद के लिए भी छोड़ोगी या नहीं? तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। नहीं, शादी तो हम सबके सामने करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, सुहागरात पहले मना लेते हैं, शादी बाद में करेंगे। प्लान बराबर है। ये तो विशाल है। नहीं नहीं, ये तो ऐसे अच्छा में है। चलो चलो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हुआ मासा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात गए एक अजनबी के साथ? वो तो मौसी ने कहा था कि तुम जाकर इसके। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेला को हाथ लगाने की? मामा जी, ये तो बेला ने ही मुझे सुहागरात मनाने के लिए। शट अप! तुम यहाँ से चले जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। खबरदार आइंदा कभी बेला की तरफ आंख उठाकर देखा है तो अच्छा नहीं होगा। दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से। बेवकूफ लड़की, बच गई तुम, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। ये विशाल नहीं, विशाल का दोस्त है,
एसएम। तुम मैं क्या करूं? इतने सालों बाद देखा तो नहीं पहचान पाई ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा जायका खराब कर दिया। चलो अब चलो घर में चलो। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Daima. Vishal. Pranam, Daima. Jesus, my God, तुम इतना बड़ा हो गया. Fully grown up man. I'm so happy कि तुम मेरे को मिलने आया. मेरे को मालूम था कि तुम जरूर आएगा. कैसे नहीं मिलने आता दाइमा? आप मेरी माँ से कम थोड़ी हो दाइमा। मम्मी ने बताया कल जो हुआ, आई एम वेरी सॉरी, मगर डैडी का नेचर तो आप जानती हैं। माँ को भी बहुत दुख हुआ दाइमा। इसमें धर्मपाल का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे मामा मामी की बातों में आकर ऐसा हुआ। बेटा मैंने तुम्हारे लिए ब्राउन केक बनाकर रखा है, आओ बेटा बैठो। बस बस बहुत हो गया एक्सरसाइज, ज्यादा पतला होना भी अच्छा नहीं है। जा जल्दी से पानी लेकर आ, धर्मपाल साहब का बेटा आया है। ओफो दादी माँ, तुम भी ना। अच्छा आप चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी okay? लाना। हाँ वॉटर। विशाल, रोजी तुम यहाँ? रोजी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इट इज। मैं जानता था तुम मुझे मिलोगी, पर इतनी जल्दी मिल जाओगी ये नहीं सोचा था। बेटे केक। क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ दाइमा, पर ये यहाँ? ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, बचपन से ही शहर में पढ़ रही है। ओह माय गॉड। ग्रैंडमा, इन्हीं से माइक का झगड़ा हुआ था। ओह, इसीलिए तुमने माइक से बात करना बंद कर दिया? क्यों रोजी, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को जानते ही हो या कुछ और भी है? नहीं। अच्छा दाइमा प्रणाम, मैं चलता हूँ। बेटे कल फेस्टिवल है, जरूर आना, भूलना नहीं। हाँ जी हाँ दाइमा, मैं जरूर आऊंगा। बहुत प्यारा बच्चा है, सो स्वीट। अक्रम भी अजीब किस्म का आदमी है, 8 बजे का टाइम देता और 12 बज गया। देख कितना देर लगाएगा, उतार टेम्पो में पैक कर। या गर्ट गर्ट गर्ट, अरे आप लाइदर ला, सबको पैसा चाहिए बस हमसे। हमेशा लेट करता है। बाय बेटा। बाय। Oh, hi, handsome. Oh, wow. क्या बात है? What a beauty. अरे बेटा इसे नहीं पहचाना, ये बेला है, बेला तुम्हारे बचपन की दोस्त। बेला? ये बेला नहीं, बला है बला। कल रात को ये मेरे गले पड़ी थी और अब
वो तुम्हारे गले पड़ना चाहती है। इतनी बड़ी हो गई? बचपन में तो नाक पोछते फिरा करती थी नंगी पुंगी। ए विशाल, इसका नाक पोछना तो बंद हो गया पर नंगी पुंगी तो आज भी घूमती है। कुछ कहा तुमने स्लो मोशन? हम तो ये कह रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत है बेला। तुम बाहर जा रहे हो ना बेटा, बेला तुम्हें घुमा देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह से घुमा दूंगी। ये तुम्हें घुमाने के चक्कर में है, जरा होशियार रहना। हाँ, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। या कम ऑन गाइस, कम ऑन। ओके बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। देखते जाओ बेटा, अभी तो शुरुआत है। चलो चलो यार। ओके ओके, आ गया एसएम? यस यस, आ गया। चलिए। इस सुहाने सफर में हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी, इसका क्या काम? कुछ करना पड़ेगा। एसएम, प्लीज मेरा स्कार्फ। Oh sure, why not? Yeah, हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा जजर। ए विशाल, ए विशाल, ए बेला, बेला, ए बेला, ए ए ए विशाल। इसके माँ बाप ने इसका नाम ही गलत रखा है, इसका नाम बेला नहीं बला होना चाहिए, बला। सनम है सलोना।
हमें पक्की खबर मिली है कि समुंदर के रास्ते से ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग की जा रही है। माल यही कहीं आसपास उतारा जा रहा है सर। मुझे लगता है यहाँ के मछुआरे इसमें इन्वॉल्व है। हमें कोलीवाड़ों में मुखबिर छोड़ने होंगे और समुद्र के किनारे गुप्त रूप से चौकसी करनी होगी। राइट सर। इंस्पेक्टर सिंह को भेज दो। ओके सर। पता नहीं इस बेला का तीर चला होगा या नहीं। हाय मौसी। क्या हुआ बेला, बात कहाँ तक पहुँची? अभी तक तो नहीं मौसी, मगर हुस्न की गर्मी के आगे कब तक ठहरेगा, एक दिन तो पिघलेगा ही। बस ये समझ लो बेला कि अगर तुमने विशाल को फंसा लिया तो जीजा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी मौसी, विशाल एक दिन मेरा जरूर होगा, वो जरूर मेरा होगा। अब क्या होगा विशाल? वही जो बरसों से होता आया है, प्यार करने वालों का सारा जमाना दुश्मन हो जाता है। शाल। We'll be right back.
कब मैं तुझे नचा, देख कैसे नचाता हूँ तुझे। मैं छोड़ उसे, मैं चल माइक रुक जाओ। ये अमीर की औलाद हमारी रोजी के चक्कर में यहाँ आया हुआ है। हाँ आया हूँ क्योंकि मैं रोजी को चाहता हूँ, लव करता हूँ उससे। आप सब भी सुनिए, आई लव रोजी, मैं रोजी को चाहता हूँ और मरते दम तक चाहता रहूंगा। मरते दम तक है। चल मैं तेरी इच्छा भी पूरी करता हूँ। तुझे तो मैं देख लूंगा। हट। यस डैमन, आई एम ऑल राइट। कम ऑन, जल्दी करो, माल आने का है। यस यस। अरे आप, डैमन। सर इसी किनारे से वो लोग अक्सर आते जाते हैं, यही उनकी जगह है। किसी भी हालत में उसे रंगे हाथ पकड़ना है। अच्छा उसकी खबर तो पक्की है ना? मैं चाहता हूँ हर तरह की प्रिकॉशन ले लीजिए। सर ये लोग बहुत शातिर होते हैं, अक्सर पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं, लेकिन इस बार हम इन्हें भागने नहीं देंगे। चलो, बहुत दिनों से पुलिस को चकमा दे रहे थे, चलो। बहुत होशियार बन रहा था, अब जेल की चक्की पीसेगा तो समझ में आएगा इसको। बता दे सैम किसके लिए काम करता है तू? अरे क्यों अपने हाथ पर तुड़वाना चाहता है बता? सर ये बहुत मोटी चमड़ी के लोग होते हैं, जब तक इनकी चमड़ी नहीं उधेड़ते तब तक ये मुंह नहीं खोलते सर। उधेड़ दो साले की चमड़ी तभी बताएगा। हेलो हेलो, हाँ कमिश्नर साहब बात करना चाहते हैं। यस सर। कमिश्नर यार। यस सर। इंस्पेक्टर जिसे तुमने पकड़ा है तालाब की छोटी मछलियां हैं, हमें मगरमच्छ पकड़ना है, उसे छोड़ दो। सर सर सिंह, इंस्पेक्टर सिंह। यस सर। छोड़ दो। जी सर। मैंने कहा छोड़ दो। जा बेटा, आज फिर तेरे बाप ने छुड़वा लिया तुझे, जा। और कुछ लाऊं? नहीं बस। विशाल इधर आ। यस डैड। कल तुम कोलीवाड़ा में क्या कर रहे थे? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। हाय विशाल। हाय। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी वो वहाँ मेरे कॉलेज का फ्रेंड रहता है। फ्रेंड? वही जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था, माइक। जी 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 वो क्या कर रहा है साहब, बता कौन था वो? वो डैड मैं उससे मिलने नहीं गया था, उससे तो झगड़ा बस यूं ही। वहाँ मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड रहता है, मैं तो उससे मिलने गया था। अच्छा डैड मैं चलता हूँ। कॉलेज का फ्रेंड? कॉलेज का फ्रेंड नहीं, कॉलेज की फ्रेंड।
एक मछुआरिन। मछुआरिन? हाँ अंकल, उस मछुआरिन का नाम है रोजी। रोजी? हाय रोजी। विशाल। आई लव यू रोजी। आई लव यू सो मच। अब क्या होगा विशाल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रोजी, जमाना तो क्या, सारे जहां से लड़ जाऊंगा मगर तुम्हें हर हाल में अपना बनाऊंगा। आई लव यू रोजी। आई लव यू रोजी। आई लव यू रोजी। कभी जो करनी ना थी वो ही शरारत कर ली मैंने। मुझको कभी जो करनी ना थी वो ही शरारत कर ली मैंने। एक नजर बस देखा तुमको, एक नजर बस देखा तुमको, तुमसे मोहब्बत कर ली मैंने। दिल ने कही थी जैसी दिल भर वैसी शरारत कर ली मैंने। दिल ने कही थी जैसी दिल भर वैसी शरारत कर ली मैंने। एक नजर बस देखा तुमको, तुमसे मोहब्बत कर ली मैंने। रोजी रोज तुम आती हो मेरे ख्वाब ख्यालों में, देखा नहीं है अब तक तुम सा रंग जमालों में। प्यार में जाना देखो तुम्हारी कैसी हालत कर ली मैंने। प्यार में जाना देखो तुम्हारी कैसी हालत कर ली मैंने। एक नजर बस देखा तुमको, एक नजर बस देखा तुमको, तुमसे मोहब्बत कर ली मैंने। अपना
बगावत कर ली मैंने, एक नजर बस देखा तुमको, एक नजर बस देखा तुमको, तुमसे मोहब्बत कर ली मैंने। मुझको कभी जो करनी ना थी वो ही शरारत कर ली मैंने। हाय डैडी। डैडी कहीं दुख रहा है क्या? सॉरी डैडी, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस यू। डैडी ये विशाल है, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। यू नो डैडी, इट वाज सच अ ग्रेट सरप्राइज फॉर मी जब मुझे पता चला कि ये भी यहीं रहता है। हाय। अपने धर्मपाल अंकल का बेटा है। धर्मपाल? जी हाँ, कस्टम ऑफिसर मिस्टर धर्मपाल सिंह का बेटा हूँ। देखो मिस्टर विशाल, आज तक तो मिलता रहा अपना छोकरी को, लेकिन आज के बाद इसको नहीं मिलने का और ना ही इधर आने का, नहीं तो अपना टांग पे वापस नहीं जाएगा तुम। What? Yes, and I mean it. Daddy! Shut up! You shut up and you get out from here. मैंने किया क्या है अंकल? Why are you treating me like this? I don't have to explain you anything. तुमको कोई explain करने की जरूरत नहीं है। You just Please, get out! इस तरह आप हमारे प्यार की आवाज को दबा नहीं सकते अंकल। प्यार का आवाज माय ब्लडी फुट। तुम निकल जाओ इधर से, नहीं तो हाथ पैर तर दोगा मैं। रोजी मेरी है और हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं अंकल। मैं रोकेगा तुमको, तुम्हारा जान ले लेगा। रोजी, तुमको मालूम इसके बाप ने तुम्हारे बाप का यह हालत किए लाए और तुम इस लड़के से प्यार करेगा? पर डैडी, इसमें विशाल का क्या कसूर है? धर्मपाल का बेटा होना ही उसका ब्लडी गुनाह है। ब्लडी धर्मपाल, वो हमको मारा, हमारी मम्मी तुम्हारी दादी उसको चोर बना के घर से निकाला। तुम उसके लड़के को प्यार करेगा? तुम विशाल को आज के बाद नहीं मिलेगा, उसको भूलना पड़ेगा तुमको। ब्लडी नॉनसेंस। तो डैडा काट, मैं विशाल के बिना नहीं रह सकती हूँ। अच्छा, तो विशाल का प्यार का भूत इतना तुम्हारे भेजे में घुस गया है कि विशाल के लिए अपने डैड का बात नहीं मानेगा? बहुत बड़ी हो गई हो। कोई बात नहीं, हमको तुमको सीधा करना आता है। आज के बाद तुमको लॉक करके रखेगा, तुमको घर के बाहर नहीं जाने देगा, तभी तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। ऐसा मत कीजिए डैड। ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे बेवकूफ लड़की, तुम दफर से प्यार करती है, आज के बाद नहीं मिलेगी। याद रखना, आज के बाद घर के बाहर जाएगी तो मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा। बहुत प्यार प्यार विशाल। विशाल। यस डैड। क्या बेटे, ये तस्वीर देखो कैसी है। कौन है ये? कैसी है? अच्छी है। मेरे दोस्त मिश्रा अग्रवाल एक्सपोर्टर हैं, उनकी इकलौती बेटी है। मैंने तुम्हारी शादी इससे तय की है। What? But Dad, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मत करो, अगले साल करो। इस साल एंगेजमेंट करते हैं। नो डैड नो, मैं अभी किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। और फिर आपने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं अचानक। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा खानदान, अच्छी लड़की, ऊंची हैसियत, और क्या चाहिए हमें? बट डैड, शादी के लिए एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी है। हाँ जरूरी होता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, और वो भी यही चाहते हैं। मगर डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकता बस। विशाल, विशाल। जी सर जी, अब वो जमाना नहीं रहा कि गाय बैल की तरह किसी भी खूटे से बांध दिया बच्चों को। ये तो जरूरी है ना कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को समझे जाने, और इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि वो रश्मि से मिले, उससे बात करे, लेकिन वो मानता ही नहीं है। जी चाची, अगर विशाल वहाँ शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, हम ऐसी लड़की से उसकी शादी करेंगे जिसे विशाल बचपन से जानता है।
दोनों साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए, दोनों में अच्छी दोस्ती भी है। जीजा जी, मैं बेला की बात कर रही हूँ। विशाल की शादी रश्मि से ही होगी, समझे तुम? हाय बेला। ओ हाय। कहीं जा रही हो? हाँ, बाहर जा रही हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो ना। दरअसल मुझे तुमसे मेरा मतलब है कि मुझे प्रेम रोग हो गया है। ये तो बड़ी गंभीर बीमारी है, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लो। लेकिन मेरा तो अच्छा, हाँ इलाज तो मैं भी करती हूँ, मगर मेरे इलाज के बाद ना तो मर्ज रहता है और ना ही मरीज। वही तो चाहिए मुझे कि मर्ज भी ठीक हो जाए और मरीज भी सुधर जाए। ओह माय गॉड, मगर ये रोग लगा कब से? तुम्हें देखा है जब से, ये रोग लगा है तब से। तुम ठहरे स्लो मोशन और हम फास्ट फॉरवर्ड, तुम स्लो मेल और हम तूफान मेल। दोनों कैसे मिल सकते हैं? एक बार अपनी प्यार भरी निगाहों से मुझे देखो तो सही, मुझे तेज होना आ जाएगा और तुम्हें ठहरना आ जाएगा। चलो मान लेते हैं, कोशिश करके देखते हैं कौन कहां तक पहुंचता है। भाई हम तो तुम्हारे दिमाग तक पहुंच चुके हैं, अब देखना है कि तुम हमारे दिल तक कब तक पहुंचते हो। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। मेरे सपनों की रानी तो तुम ही हो बेला। बेबी कुछ खा लो, दो दिन से कुछ खाया नहीं तुम। नहीं डैड, मुझे भूख नहीं है। बेबी हम उसका फादर को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत कमीना मैन है वो कभी तुमको विशाल को एक नहीं होने देगा। लेकिन विशाल मुझे सच्चे दिल से चाहता है डैड। ये अमीरजादे सिर्फ अच्छी खासी भोली लड़की को फंसा के यूज करके पान की तरह थूकना जानते हैं। डैड मेरा विशाल ऐसा नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। डैड आपने ये फोटो तो फाड़ दिया, लेकिन मेरे दिल में जो उसकी तस्वीर बसी है उसे छू भी नहीं पाएंगे आप। देखो अपना ये प्यार व्यार का ड्रामा खत्म कर दो, बहुत हो गया ये, वरना जिस आदमी का तस्वीर तुम्हारे दिल में बसा है ना, हम उसको जान से खत्म कर देगा। दिल में ब्लडी पास रोजी बच जाएगी डैड, लेकिन विशाल को कुछ भी नहीं होने देगी। विशाल को कुछ नहीं होने देगी डैड। विशाल को कुछ नहीं होने देगी डैड। विशाल को कुछ नहीं होने देगी। अब मुझे लगता है कि बेला की शादी विशाल के साथ नहीं होगी। चिंता मत करो मेरे चांद, तुम्हारे इस चंद्रमुखी की खोपड़ी में एक से एक खुराफाती आइडिया भरे पड़े हैं। विशाल को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं। क्या? विशाल अब मेरी मुट्ठी में होगा। विशाल, विशाल, क्या हुआ है सब? विशाल एक बुरी खबर है। क्या हुआ है सब? रोजी ठीक तो है ना? हाँ हाँ रोजी ठीक है, लेकिन रोजी के बाप ने रोजी को घर में कैद कर रखा है और वो बूढ़ा रोजी की शादी जल्दी माइक से करा देगा। क्या? हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। रोजी मेरी है, सिर्फ मेरी। रोजी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। Forget him now. भूल जाओ उसे। जानता है उसका डैडी उसकी शादी फिक्स कर रहा है एक्सपोर्टर अग्रवाल की बेटी के साथ। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी?
ये नहीं हो सकता। यही हो रहा है, नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। नहीं, ये सब झूठ है। ही इज अ लायर, झूठा तो वो है जो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करता रहा ब्लडी फूल। पर मैंने तो उसके साथ कोई नाटक नहीं किया है, मैंने तो हमेशा से इसके साथ प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। प्यार 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 माय ब्लडी फूल, जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा प्यार का भूत तुम्हारे सिर पर चला रहेगा। हम इसको खत्म ही कर देता है। आई बर्न दिस ब्लडी थिंग। भूल जाओ उसे। नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। क्या? डैडी, तुम्हें उसे भूल नहीं होगा, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं डैडी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। रोजी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी विशाल, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। रोजी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने ही आया हूँ। आज के बाद हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे, दूर, बहुत दूर, जहाँ हमारे प्यार का कोई दुश्मन नहीं होगा। बस हम तुम होंगे और होगा प्यार ही प्यार, विशाल प्यार। ओ विशाल, रोजी रोजी रोजी, हमें सुबह होने से पहले यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। हाँ, चलो, चलो रोजी। है? क्या हो रहा है? क्या कर रहा है मेरे घर में? डैड की बच्ची नालायक अपने आशिक को मेरे घर में लाती है, मारो। खबरदार सैम अंकल, अगर रोजी पर हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप रोजी के डैडी हैं। रोजी मेरी है और अब मुझे रोजी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रोजी को कुछ हुआ ना तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। रोजी तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हमारे बीच की हर दीवार गिरा कर आऊंगा तुम्हारे पास। मैं आऊंगा रोजी, मैं आऊंगा। क्यों आओगे? एक बात याद रखो, अगर दोबारा रोजी की तरफ तो दूर, इस घर की तरफ भी मुड़ के देखा ना तो मैं तुम्हारी छोटे छोटे टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिला दूंगा। गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं आऊंगा रोजी, ब्लडी बास्टर्ड। मैं जरूर आऊंगा। गेट आउट। ऐसे लड़कों से मिलना छोड़ दो तुम, नॉनसेंस। माइक, हम बहुत थक गए ये मोहब्बत से। तो बात यहां तक पहुंच गई है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं जो भी करूंगा आप मुझे रोकेंगे नहीं। लेकिन तुम करेगा क्या? समथिंग स्ट्रेंज, डोंट वरी, मुझ पर भरोसा रखिए। रोजी को बुलाइए। रोजी, रोजी। यस डैड। माइक तुमसे कुछ कहना चाहता है। वी आर वेरी सॉरी रोजी, हम तुम्हें उदास देखना नहीं चाहते। खुश रहो ना, बी हैप्पी। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। देखो रोजी,
अंकल सैम तुम्हारे दुश्मन थोड़े ही हैं। उन्हें पता है कि विशाल के फादर तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मना कर रहे थे। देखो, अगर विशाल बगावत करके तुमको अपना लेता है तो इसमें इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना अंकल सैम? यस माय डियर। सच डैड? यस डैड। ओह डैड, आई एम सो हैप्पी। रोजी, तुम तो जानती हो कि अब अंकल की हालत भी ऐसी नहीं कि वो वजन उठा सके। एक कंसाइनमेंट मिला है फिश सप्लाई करने का। कितने फिश है? ओनली वन बास्केट। ओके, मैं कर दूंगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, लवली। देखो, तुम गोदाम चले जाओ। हाँ? वहां तुम्हें अक्रम मिलेगा। ओके ओके, अक्रम से कहना कि पास्कल वाला बास्केट दे दे। हाँ? पास्कल का टेम्पो मंदिर नाका के पास खड़ा है। ओके? वहां पहुंचाना है। ठीक है। ओके, तुम पहले भी तो वहां गई हो ना? हाँ, आई हैव बीन देयर। मैं अभी जाती हूँ। ओके डैड, मैं जूली के घर जा रही हूँ, थोड़ा काम है, वहीं से वहां चली जाऊंगी। ओके ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। माइक, हमारे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या करने जा रहे हो। सब समझ में आ जाएगा। हेलो पुलिस स्टेशन। यस। अभी कुछ देर में एक लड़की मंदिर नाका रोड से मछलियों का बास्केट लेके गुजरेगी। उस बास्केट में मछलियां नहीं, ड्रग्स हैं। बड़ी, यू डूइंग व्हाट? क्या कर रहा है तुम? अपुन के भेजे में कुछ नहीं आ रहा है। अपुन की रोजी को पुलिस अरेस्ट करेगा? यही तो मैं चाहता हूं। क्यों? रोजी अगर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी जाएगी तो धर्मपाल उसे कभी भी अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन विशाल की नजरों में भी वो गिर जाएगी। वाह माइक वाह, खूब अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम। सैम, जाओ रोको रोजी को। नॉट पॉसिबल मॉम, माइक एकदम ठीक कर रहा है, और फिर अपने पास कोई चॉइस भी तो नहीं है। कितना सेल्फिश हो गया है तुम, अपना जिद पूरा करने के लिए उस मासूम का जिंदगी लेना चाहता है। छी, हम ऐसा कभी नहीं होने देगा। हम जाता है। ए मान, तुम किधर नहीं जा रहे? रुक जाओ। जल्दी लाइए, जल्दी बाहर रख दीजिए उसे, जल्दी करिए। जल्दी जल्दी। सगु भाई जल्दी चलो ना। देखो उधर। ए थांबा थांबा थांबा, क्या है तुम चक टोपली में दे? फिश। ऑल और चेक करो। ए देखा साहब, ड्रग्स? मुझे कुछ नहीं मालूम इसमें क्या है। जो भी कहना है पानी चलकर कहना। ले चलो इसे। नो, आई डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छी टोकरी में ड्रग्स। चल चल। के ये दूरी मिटा दो, जरा अपनी जुल्फों की हमको हवा दो। जमाना हुआ है लबों से नहीं पी, हमें आज अपने लबों से पिला दो। We'll be right back.
पीना नजर से पीना नजर से पीना हाँ नजर से पीना नजर से पीना नजर से पीना जिल्लत, इतना अपमान। हमारे साहबजादे के सर पे इश्क का भूत सवार है, हर जगह चर्चे हो रहे हैं उसके मोहब्बत के, और ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। मगर जीजाजी, क्या हुआ, क्या कर दिया मेरी बहना ने जो आप इतने नाराज हो रहे हैं? अरे तुम्हारी बहना ने नहीं, तुम्हारे प्रिय भांजे ने, उसके इश्क की चर्चा हर जगह हो रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ। कल रात से गायब है हमारे साहबजादे,
उस मछुआरन के चक्कर में नाक कटवा दी उस नालायक ने हमारी, और कौन भला मानुस उसको अपनी बेटी देगा। अरे रे रे सत्यानाश हो उस मछुआरिन का। अरे मैं कहूँ हमारे विशाल के लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? अरे हमारी बेला क्या किसी से कम है? चलो ठीक है, विशाल की शादी बेला से ही करा देंगे। अरे चंदू की चंदू की खुशी का मौका है, जा तू मिठाई लेकर आ। अभी आती हूँ। हेलो सर, मैं सिंह बोल रहा हूँ। एक लड़की ड्रग्स की स्मगलिंग में पकड़ी गई है, उसका नाम रोजी है, रोजी डिसल्वा। कहीं ये सैम डिसल्वा की बेटी तो नहीं है? हाँ सर वही है। ठीक है मैं आता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। रोजी क्या हुआ जीजा जी? अरे चंदू एक खुशखबरी है। खुशखबरी? विशाल ने हाँ कर दिया क्या? अरे चंदू विशाल की शादी तो अब बेला से होगी, और उसके सर पे जो इश्क का भूत सवार था ना वो भी उतर जाएगा, क्योंकि उसकी महबूबा रोजी अब स्मगलिंग के चक्कर में पकड़ी गई। लो जी मिठाई खाओ। नहीं नहीं मिठाई। अरे चंदू की चंद्रमुखी बहना, आज तो खुशी का दिन है, मिठाई खाओ मिठाई। आज तो मैं शंकर भगवान को 125 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा और सबको खिलाऊंगा, और देखना अपनी बेला की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। क्या बात है मामा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? लो विशाल तुम भी मिठाई खाओ, डबल खुशखबरी है। क्या बात है मामा जी? जीजा जी ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी बेला से। वो रोजी है ना तुम्हारी रोजी, वो ड्रग्स स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। क्या? हाँ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मम्मी, ये नहीं हो सकता मम्मी। हाँ बेटा ये सच है। नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी रोजी नहीं। बोल बोल, वो माल तू किसके लिए लेकर जा रही थी? बोल। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है, साजिश की गई है मेरे खिलाफ। तू झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर देख लड़की, अगर तू चाहे तो मैं तुझे यूं ही आजाद कर सकता हूँ। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ मुझे नहीं पता किसका माल है, नहीं पता। बात वो नहीं है, मैं कुछ और चाहता हूँ। मैं धर्मपाल सिंह, विशाल का बाप, अगर तुम विशाल को भूल जाओ तो मैं तुम्हें यहां से आजाद करवा सकता हूं। ये एक बाप बोल रहा है या एक ऑफिसर? बाप रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफिसर आजाद करवा देगा। मुझे तो तरस आता है आपकी लाचारी पर। एक विवश बाप एक कमजोर लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी मोहब्बत का सौदा करना चाहता है? जाओ ऑफिसर, मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं होती। क्या दाम चाहती हो? मैं तुम्हें दे सकता हूँ आजादी भी, ऐश की जिंदगी भी। बोल। दिल के सौदे दिल से होते हैं ऑफिसर, दौलत से नहीं। मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे बाप को जिंदगी भर जेल में सड़ा सकता हूँ। तभी हमारी मोहब्बत कम नहीं होगी। कितना भी सितम ढालो तुम विशाल को मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से अलग नहीं कर सकोगे। विशाल, विशाल कंट्रोल योरसेल्फ। विशाल, रोजी ऐसी लड़की नहीं है, वो कभी कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशाल बेटा, मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी रोजी ऐसी लड़की नहीं है मम्मी, वो ऐसी लड़की नहीं है मम्मी। हाँ मैं जानती हूँ, नहीं है मम्मी वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ। लड़की नहीं है विशाल, मुझे लगता है कि
दाल में कुछ खाला है। तू टेंशन मत ले यार, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। मम्मी मम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या देखा? देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, रोजी निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके दोस्त ने और बाप ने मिलकर उसे फंसाया है। वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। ड्रग्स बरामद किए गए हैं उससे। उसे किसने फंसाया ये तो बात की बात है बेटे। पर डैडी, वो तो निर्दोष है। अब तो ये हमारे हाथ में है कि उसे निर्दोष छोड़ दें या दोषी करार दें। क्या मतलब? अगर तुम चाहो तो बेदाग रिहा हो सकती है। मैं चाहूं तो? तुम उसे अपने दिल से निकाल दो तो, वरना। डैड, ये मेरा दिल है, आपका लॉकअप नहीं। कि लॉक खोला और छोड़ दिया। रोजी मेरी मोहब्बत है डैड। अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे तो रोजी से मैं जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवा सकता हूं। डैड, अब आप कुछ भी कर लीजिए, आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अब हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि रोजी मेरी है और मैं रोजी का। अगर तुम रोजी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हो तो मुझसे नाता तोड़ना पड़ेगा, सोच लो। ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम चुप रहो, एक मछुआरे को अपनी बहू नहीं बना सकता मैं। विशाल तुम बोलो, रोजी या फिर मैं? तो ठीक है डैड, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। विशाल विशाल, अरे अरे रोकी ना उसे, अरे वो नादान है। जाने दो उसे, उसका ये कदम रोजी को ले डूबेगा। यार विशाल, ऐसे मायूस बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। हाँ ठीक कहता है सैम, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। इंस्पेक्टर विशाल, रोजी को बाहर निकालो। विशाल तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर मैं कहता हूँ रोजी को बाहर निकालो। विशाल तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इंस्पेक्टर इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है, मैं कहता हूँ रोजी को बाहर निकालो वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हवलदार। जी साहब। अरे विशाल बाबू, ये क्या है, पिस्तौल साहब एक लड़की के लिए? अरे विशाल बाबू, अगर बड़े साहब को मालूम पड़ा ना तो बहुत नाराज होंगे। और तुम नहीं जानते विशाल बाबू, इस लड़की को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है रंगे हाथ। हवलदार, तुमसे जितना कहा गया उतना करो, रोजी बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। अरे विशाल बाबू, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। हवलदार, तुम रोजी को लाते हो या मैं? हवलदार, रोजी को लाओ। साहब आप भी? मैं कहता हूँ रोजी को लाओ। जाओ। ठीक है साहब। देखो विशाल, तुम धर्मपाल जी के बेटे हो इसलिए तुमको समझा रहा हूँ, कानून अपने हाथ में मत लो। नहीं इंस्पेक्टर, रोजी मेरी मोहब्बत है और मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विशाल। देखो विशाल, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। नो, कानून को अपने हाथ में मत लो विशाल। डोंट मूव इंस्पेक्टर। विशाल डोंट मूव, आगे मत बढ़ना, नहीं तो विशाल, मैं तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर विशाल, कानून को अपने हाथ में मत लो। नहीं इंस्पेक्टर विशाल। चलो रोजी जल्दी,
ये ते थामा थामा सर है। हाँ है। आ जाओ मिस्टर सिंह। सर सर क्या बात है मिस्टर सिंह? सर गजब हो गया सर। क्या हुआ? सर वो रोजी को लॉकअप में से छुड़ा के ले गया सर। पागल हो गया उस लड़की के प्यार में। इंस्पेक्टर। यस सर। जैसे भी हो कुछ और करने से पहले उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। सर वायरलेस से मैंने सब थानों में खबर कर दी है सर। अब तक तो नाकाबंदी हो चुकी होगी सर। एक बार उसे हाथ लगने दो फिर दिखाता हूं उसे मैं। उस लड़के के सर से इश्क का भूत उतार के रहूंगा मैं। सर ये समय सोचने का नहीं है सर, उन्हें ढूंढने का है सर। ठीक है चलो। हे भगवान। ड्राइवर चलो चलो। चला जा रहा विशाल, थक गई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? चल जल्दी जल्दी चल। रोजी रोजी चलो रोजी। विशाल तो अब बेला से शादी करेगा नहीं, मौका अच्छा है। विशाल अगर सैम से बच भी गया तो मैं उसे मरवा दूंगी। फंसेगा सैम? जीजा मेरा भोला है, बहना के कहने पर बेला को अपना लेगा और बेला होगी जायदाद की वारिस और मैं होंगी जायदाद की मालकिन। डायन तू इतनी गिर जाएगी ऐसा सोचा भी नहीं था मैंने। विशाल की जान लेने पर उतर आई? अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है, तू तो उससे भी गई गुजरी निकली। सारी जिंदगी में तुम्हारे इशारे पर नाचता रहा ये सोचकर कि कभी न कभी तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम तो काले कुत्ते की वो टेढ़ी दुम हो, कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधर सकती। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बैड न्यूज भाई, रोजी को विशाल भगा कर ले गया। व्हाट? हाँ चल चल जल्दी कर। देख कहाँ हो सकता है, कहाँ जा सकता है। मामा जी गजब हो गया। क्या हुआ? सेम और माइक विशाल का पीछा कर रहे हैं। क्या बात करते हो? हाँ मौसा जी जल्दी कीजिए, माइक और सैम को देखते हैं और फिर विशाल और रोजी को भी बचाना है। बेटी तुम भी? हाँ मौसा जी, अब तक मैं जो भी करती रही मौसी के इशारों पर करती रही, मगर अब मुझे पता चल गया है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और अब तो मुझे भी हो गया है। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, चलो 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 चलो। कहाँ जा सकती है लोग? सर यही कहीं आसपास होना चाहिए।
कहाँ गए होंगे ये लोग? बाबा जी जल्दी चलिए। चलो चलो, ये लोग यही कहीं होने चाहिए। हाँ मुझे भी यही लगता है, रोजी यही रहती है। हाँ। उधर देख। अरे भाई कहाँ चले गए ये लोग? पता नहीं चल रहा यार इनका, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। चलो कहीं और देखते हैं। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो चलो चलो, चलिए मामा जी जल्दी चलिए, जल्दी करो। चलो चलो उधर देख। इतना तो पक्का है कि अगर आज विशाल मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी कर, जल्दी कर। वो देख शायद उधर हो सकता है। हाँ आता हूं मैं। इधर भी नहीं है, कहां गया है? अरे भाई समझ नहीं आ रहा। चल वहां चल के देखते हैं। चल चलो चल जल्दी कर, भैया चलना यार। कहां गए होंगे बच्चे लोग, कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही जल्दी है। जल्दी चलो। बस विशाल अब और नहीं चला जाता। हाँ। बैठो विशाल, कुछ ऑर्डर करो ना प्लीज, बहुत भूख लगी है। ए भाई साहब सुनिए तो। आया साहब। पानी रोजी। बोलो साहब। दो चाय और दो टोस्ट ले आओ। लाया साहब अभी लाया। विशाल मुझे भगाकर अब तुम भी पुलिस के मुजरिम बन गए हो ना? कोई बात नहीं रोजी, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत डर लग रहा है विशाल, हमें इस तरह से भागना नहीं चाहिए था विशाल। वो बहुत जरूरी था रोजी, क्योंकि मेरे डैड बहुत गुस्से वाले हैं और वो तुमसे चिड़े हुए भी बहुत हैं। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या सुलूक करते हैं। विशाल मुझे तो बहुत डर लग रहा है विशाल। रोजी डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ये लो। शुक्रिया साहब। अब जो भी हो अब हम कभी अलग नहीं होंगे। साथ जी सके तो ठीक, नहीं तो साथ मर जाएंगे। हाँ विशाल तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। विशाल चिड़िया को फंसा कर लाया है लौंडा। चल चलो 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 चल बेटू। विशाल हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? झक्कास आइटम लाया। रोजी बहुत थक गई हूँ। बेटू आगे जा तू। चल रोजी। विशाल बस विशाल विशाल बहुत हो गया, बस भी चल बेटू। विशाल क्या बेटे लौंडिया भगा के लेके जा रहा है? ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? ए बिड़ू चोर चोर मौसेरे भाई, हम भी लौंडिया पटाते हैं और लेके जाके मुंबई में अच्छे भाव में बेच आते हैं। काम तुम खड़े कर लो, मजे हम ले लेंगे। विशाल 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 और मारो। हाँ छोड़ दो इसे। कोई है? विशाल छोड़ो छोड़ो कमीने, छोड़ मुझे। विशाल ने बचाओ मुझे, छोड़ो छोड़ो। हम उस वाले से कम हैं। विशाल कोई है? करेंगे छोड़ दे, छोड़ दे विशाल।
ओए, ओए बाचो एक ही कर रहे हो, इन्ना सोना मुंडा मिलके पीट रहे हो। ओए सरदार जी अपना रास्ता नापो। ओए तुम सब मिलकर इस पे जुल्म करो और हम देखते रहें। ए नहीं हुंदा। अबे क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। तेरी भैन साड़ी भैन कुत्ते दे पुत्तर पहली मार से तेरा पेट नहीं भरा। हो गया वाहेगुरु को प्यारा। आ पुत्र हमारी मदद के लिए शुक्रिया। वो जवाना शुक्रिया काहे का, ये तो बता तुम जा कहां रहे थे? बस अभी तो मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं। वो ऐसे कब तक भटकोगे? गली गली तुम्हें ऐसे ही भेड़िए मिलेंगे। मेरी मानो, मेरे नाल चलो, सब इंतजाम कर देगा वाहेगुरु, सब ठीक कर देगा। ओके चलो चलो, डरो मत। आजा आजा शाबाश, आ जाओ। हाँ ये रहा मेरा घर और ये रही घर की चाबी, और मैं अभी आया। मगर मलखान भाई हमारी वजह से आपको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। और तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा जाती फर्ज था। और फिर वाहगुरु जानता है कि मेरी भी एक नन्नी सी ऐसी बहन थी जो ऐसे ही भेड़ियों की बलि चढ़ गई। माफ कीजिए मैंने आपके दिल को दुखाया है। दिल को दुखाने की बात नहीं, जो वाहगुरु का हुक्म था सो हो गया। आप ये बातें सब छोड़ो, आप घर खोल के आराम करो, मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करके यूं आया। ठीक है चलो रोज। अब क्या करें हम? What? जाना विशाल। मलकान भाई साहब कितने अच्छे हैं ना। हाँ आजकल ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। ओ विशाल। हाँ मेरी जान सुन, देख तुम लोग बाहर मत निकलना। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब क्या होगा भाई साहब? ओए होए किड्डी सोनी लग रही है मेरी पैन। देख कुड़िए तुसी कोई फिक्र नहीं करना, तुसी बिंदास इत्थे रहो हैं, बस बाहर नहीं निकलना। मलखान भाई दे होते तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, वाहेगुरु सब ठीक करेगा। ओके ठीक मैं चल रहा। कपड़े तो पहन लो बादशाह। और सोनियो अब तुमसे क्या शर्माना। ला 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 ला। जान आज की रात कितनी सुहानी है ना। ये तन्हाई ये मौसम ये मदमस्त बदन और ये तड़पती जवानी, आज कुछ भी नहीं बस में, न हम बस में न तुम बस में, आज तुम्हारी मदमस्त जवानी में डूब जाने को जी चाहता है। यही उम्र है प्यार में हद से।
से गुजरने की यही उम्र है, यही उम्र है। दिल लेने की, दिल देने की, दिल लेने की, दिल देने की यही उम्र है। कुछ कहने की और सुनने की यही उम्र है, यही उम्र है। कुछ कहने दोनों। हाँ हाँ हाँ, इधर ही साहब, इधर ही।
ले अभी काका, ये रहा दूध और ये रहा खाने पीने का सामान। बस एक काम करना, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि मैंने कुछ गाड़ियां इस इलाके में घूमती देखी हैं। हाँ। थैंक यू मलकान भाई साहब, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ। वाह सोने वाह, भाई भी कहती हो और थैंक्स भी बोलती हो। रोजे कौन है कुड़िये? ये मेरे डैडी हैं मलकान भाई। डैडी? हाँ मेरे डैडी हैं मलकान भाई, अब क्या होगा? वो तो फिक्र ना कर मेरी बहना, मलखान सिंह के होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम ऐसा करो, पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। नहीं मलखान भाई, आप अकेले? ओए वाहेगुरु की कृपा से मलखान सिंह अकेला इन सब के लिए काफी है, जाओ भाग जाओ। भाई नहीं मलखान भाई, मैं कहता हूँ ना मेरी बहना, जाओ। अपना ख्याल रखना भाई साहब। तेरी पैन को मोटे। चलो रोजी, रोजी। ओ कौन रोजी? अरे वो विशाल। अरे वो विशाल नहीं था, वो तो मेरे सगे संबंधी थे। पास्कल और राजकल, तुम इधर क्या कर रहा है? रोजी के पीछे जाना मांग गया तुम? ये मलखान का घर है, तेरे बाप का घर नहीं। ए यो ब्लडी मलखान, मर गए साले पाने के टट्टू, मलखान से लड़ते हैं। विशाल, विशाल जल्दी भागो विशाल। ओह गॉड, डैडी आ गए तो ऐसे क्या कर रहे हो? तेज चलाओ तेज। अरे यार इतनी धीरे क्यों चला रहा, जल्दी करना यार। चल 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 तेज चल चल, छोड़ूंगा नहीं। विशाल थक गई हूँ बस। आज वो बच के जाएगा कहाँ? वो रहे। जल्दी विशाल। पकड़ उसे। विशाल बहुत थक गई हूँ। विशाल माई, जल्दी भागो। आज बच के जाएगा काश सर। जल्दी कर, पकड़ उसे। विशाल माई कह रहा, जल्दी भागो। ये हमारे पीछे कहां से आ गया? रुक, रुक जा। जल्दी करो विशाल, जल्दी भागो, वो लोग आ रहे हैं। और बस अब कहां बचेगा? विशाल हाँ, विशाल वो लोग बहुत नजदीक आ गए, जल्दी करो। आओ रोजी, रुक। छोड़ा मुझे, छोड़ा कमीने, मेरे को छोड़ दे, छोड़ा। विशाल, उसे छोड़ दो जिसने मेरा जीना हराम कर दिया, जिसके लिए तूने मुझे छोड़ दिया, जिसके लिए तूने मुझे धोखा दिया, उसे छोड़ दूं मैं? तू बेवफा है, बेवफा। तूने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया माइक, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया,
तुम्हारा प्यार एक तरफा था। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। तुमको मुझसे प्यार था। एक अमीर बाप के बेटे के साथ जिंदगी भर ऐश करने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे छोड़ा है, मुझे छोड़ा है तुमने। नहीं माइक, नहीं, ये सब झूठ है। झूठ ये है या झूठ वो था? मछली पकड़ते वक्त समुद्र की लहरों में मुझे पकड़ना, क्या वो झूठ था? कॉलेज जाते वक्त बाइक में मुझे जकड़ना, क्या वो झूठ था? अंधेरी रात में मेरी बाहों में बाहें पकड़ के चलना, क्या वो झूठ था? ये सब सच है माइक, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा दोस्त मानती थी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। अब तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें किसी से प्यार करने के काबिल ही नहीं रखूंगा। क्या मतलब माइक? माइक क्या कर रहे हो तुम? लीव मी। वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए। नहीं माइक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चाहत में आदमी कुछ भी कर सकता है। छोड़ो मुझे। धोखा दे। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। रोजी बेटा। डैडी मेरे विशाल को बचा लीजिए, मेरे विशाल को बचा लीजिए डैडी। चिंता मत कर बेटी, तेरा विशाल का कुछ नहीं होगा। हमारा जीते जी तेरा विशाल का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कमीने, तुम इतना गिर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता था। कितना भरोसा करता था हम तुम पे, अपना बच्चा की तरह चाहता था। तुम ऐसी नहीं छरकत करेगा, तुम जैसे आदमी को तो जान से मार देना चाहिए। मिस्टर डिसिल्वा, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम रोजी के बाप हो। मेरी उंगली की एक छोटी सी हरकत भी तुम्हारी जिंदगी का काम तमाम कर सकती है। अरे मर गया सैम डिसिल्वा का जिंदगी तबाह करने वाला। रुक जाओ सैम डिसिल्वा, रुक जाओ। विशाल, मलकान भाई, नहीं पुत्र, नहीं रोना नहीं पुत्र, रोना नहीं, खुश रहो। तेन खुश रखन वास्ते तो मलखान ने मौत को सीने से लगाया। सर, तू रोने लग पड़ा तो मेरा खून पानी बन के बह जाएगा पुत्र भाई। भैया आप अपनी बहन को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं मेरी बहना, जब बुलावा आता है तो सबको जाना पड़ता है। कोई पहले जाता है तो कोई बाद में जाता है, लेकिन सबको जाना पड़ता है। नहीं भैया नहीं। साहब जी,
आप बहुत बड़े आदमी हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं। आप दोनों से विनती है, जाते जाते मलखान सिंह की झोली में एक मुराद डालते जाइए। मेरी मुंह बोली बहन, रोजी का ब्याह विशाल से करवा दीजिए, विशाल से करा दीजिए साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डुबले सो निहाल सोचिया का सुसान। जी साहब। रोज से कह दो वो विशाल को संभाले। विशाल। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं ठीक कह रहा हूं, आइंदा मुझे साहब करके मत बुलाओ, क्योंकि अब हम रिश्तेदार बन चुके हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच साहब। ऐसे आज तक मैंने तुम्हें बहुत ही तंग किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को समझ गई हूँ। आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू डार्लिंग। डैड, विशाल, आई लव यू विशाल। मौसा जी। अरे बच्चों, तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद है। विशाल, I love you so much.